तो वेलकम टू मरियानी, देख सकते हो गाइस। तो ये रहा असम पुलिस, हम लोग का मरियानी का कांस्टेबल होगा विदाउट हेलमेट, ये देख सकते हो विदाउट हेलमेट। इनका नेम प्लेट का नाम देख सकते हैं कौन सा है, लेकिन ये मरियानी थाना का है और एक स्टार लगा हुआ है शायद। हाँ ये देख सकते विदाउट हेलमेट, तो ये लोग पकड़ता है हम लोगों को। तो ये भाई विदाउट हेलमेट देख लिया ना, ये होता है हम लोग का असम का जो रूल होता है ना, इतना डोमिनेंट करता है, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाता रहता है लेकिन खुद फॉलो नहीं करता है, देख सकते हो ना। ये आज मेरा कैमरे में आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। ओ, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन जो भी हो टू डेंजरस। रेडी हो चुका है देख सकते हो। और इस बार मतलब मैं ये सैडल बैग लिया बड़ा वाला, छोटा वाला साइकिल का बैग लास्ट टाइम जो लगा के गया था वो वाला इस बार नहीं ले रहा हूँ, सब यही बांध लिया हूँ ये वाला। और इस बार ट्रैकिंग बैग नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कम्पैक्टली मेरे को सामान भराना चाहिए, इसलिए मैं वो लेके नहीं जा रहा हूँ इस बार। मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइटली मेरे को पैक करना ज़रूरत होता है, इसलिए मतलब नहीं लेके जा रहा हूँ इस बार। देखो एक छोटा सा एक मतलब ये लैपटॉप बैग ले लिया और बाकी सैडल बैग, बस दोनों ही सामान। और मेरा आज का जो टारगेट है ढकुआ खाना है, तो माजुली होके जा रहा हूँ मैं। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 12 बज चुका है, तो घर से अभी निकल रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक मतलब बनाया ही नहीं वीडियो, बहुत दिन हो चुका है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली सेशन से सेशन कर रहा हूँ। तो लास्ट मेरा भावना कॉलेज कल तक था, वो ख़त्म हो चुका है। तो आज संडे और कल से फिर से सेशन ढकुआखाना कॉलेज, कल से 6 दिन का सेशन ले लिया, फिर से कल से स्टार्ट हो जाएगा सैटरडे तक। अभी देखते हैं क्या होता है। तो अब लोगों को आज मतलब माजुली का नज़ारा दिखाते हैं और ब्रह्मपुत्र का नज़ारा दिखाते हैं आज। तो निकलते हैं, तो हर हर महादेव निकलते हैं। तो आशीर्वाद ले जाते हर हर महादेव, चलो। तो बहुत दिनों के बाद रेस कर रहा है जैसा चला रहा है ना, लेकिन जो भी मेरे को आराम से जाना है। और मेरा दिक्कत ये मीटर अभी तक ठीक ही नहीं गया है, ठीक नहीं किया है, मतलब सोचा था आज करूंगा लेकिन आज तो संडे है बंद रहेगा। दुकान में गया था लेकिन वहाँ ऑर्डर देना पड़ेगा बोल रहा है, ऑर्डर दे के रखा है अभी तक नहीं आया है, ये मीटर काम नहीं कर रहा है, 1 वीक हो गया है। ये रॉयल एनफील्ड में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है ना, इसलिए दिक्कत होता है। तो कब नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा बोल रहा है, लेकिन मेरे को अगर लखीमपुर ढकुआखाना में अगर मिल जाएगा तो मैं लगा लूँगा डायरेक्ट, ज़्यादा नाम नहीं लगेगा के मीटर केबल। लेकिन एक बार हो रहा है अभी तक का 1000 से पार हो चुका है, रीडिंग मतलब नहीं ले रहा है, 0 से 0 ये ऐसा टाइप का हो रहा है मतलब। तो ऑलमोस्ट मरियानी पहुँच गया है। तो वेलकम टू मरियानी, देख सकते हो गाइस। तो ये रहा असम पुलिस, हम लोग का मरियानी का कांस्टेबल होगा विदाउट हेलमेट, ये देख सकते हो विदाउट हेलमेट। इनका नेम प्लेट का नाम देख सकते हैं कौन सा है, लेकिन ये मरियानी थाना का है और एक स्टार लगा हुआ है शायद। हाँ ये देख सकते हो विदाउट हेलमेट, तो ये लोग पकड़ता है हम लोगों को विदाउट हेलमेट। देख लिया ना, ये होता है हम लोग का असम का जो रूल होता है ना, इतना डोमिनेंट करता है, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाता रहता है लेकिन खुद फॉलो नहीं करता है, देख सकते हो ना। ये आज मेरा कैमरे में आ चुका है, आप लोग देख सकते हो पूरा पकड़ लिया है, बोल रहा हूँ मैं वही बोलूँगा। उधर में भी बैटरी है, इस साइड में भी बैटरी रिक्शा, और ये ऐसे क्रॉस कर रहा है देख सकते हो। यही मतलब आजकल टाउन में इतना ही जाम लगता है ना, अभी बोल के भी क्या बोलूँगा, फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने को खुद को देखना चाहिए। अगर कॉर्नर में जा रहे हो तो कॉर्नर में ही जाना चाहिए, मतलब ऐसा टाइप का होना है ना, ओवरटेक नहीं करना है इन लोगों को, अगर ओवरटेक करेगा तो हम लोगों का सीन हो जाता है।
फाइनली निमाटी घाट पहुंच गया हम लोग, देख सकते हो महाबलीगढ़ में। तो ये रहा राइट साइड में जो डायरेक्ट फेरी में जो उठने का जगह है, और आगे जाके अभी मेरे को टिकट बुक करना है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं करवाता हूँ, तो यही आके अभी डायरेक्ट स्टोर भी करूँगा काउंटर में। सॉरी, ये लाइन लगाने का जो काम होता है ना, ये मेरे को बहुत घटिया लगता है, लेकिन उपाय तो है नहीं, अभी तो लेना ही पड़ेगा। तो फाइनली मुझे टिकट मेरे को मिल चुका है, तो अभी दिक्कत नहीं है। तो अभी मेरे को सब लास्ट अभी एक काम है, इसको उतारना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा। दूठा पंद्रह कौन है ना, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन जो भी हो टू डेंजरस। उठा दो देख सकते हो नजारा। तो अभी एंट्री करवा लेते हैं टिकट का और यात्रियों का, नहीं तो विदाउट एंट्री नहीं होगा यहाँ में। फाइनली कमलाबाड़ी घाट पहुंच चुके हैं बाहुबलीगढ़ में। तो ये घाट से उठ रहे ऊपर, तो अभी जो ठकुआखाना जो लोकेशन है यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर मेरे को दिखा रहा है। तो अभी तो मेरे को जाना है, तो आगे तो और मेरे को नदी क्रॉस करना नहीं है, क्योंकि इस बार मैं लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मतलब लखीमपुर में खवलुओं के नहीं जा रहा हूँ, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ही जा रहा हूँ ठकुआखाना। तो लेकिन रास्ता है इधर में और ब्रिज है, तो इस साइड में ज़्यादा बड़ा नहीं है, फेरी वेरी लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो कमलाबाड़ी घाट में मैं चाय और एक रोटी एक प्लेट खा लिया। तो अभी तो मेरा यहाँ से सिर्फ राइड ही करना है, फेरी वेरी पार नहीं करना है, चलते जाओ चलते जाओ। तो माजुली को आँखों से फिर से एक्सप्लोर करते। कॉलेज टाइप कर दिया है, 55 किलोमीटर दिखा रहा है, तो जेंगराय मुख होके जाना पड़ेगा मेरे को। चलो फिर चलते हैं। Oh,
तो ऑलमोस्ट ढोकवाकना पहुँच गया। मतलब थोड़ा देर पहले एक पान का दुकान में पूछा कि यहाँ में अच्छा होटल कौन सा है, तो वो मेरे को सजेस्ट किया कि सबसे अच्छा होटल तो गीतांजलि होटल ही है। यहाँ में 3 होटल है बोल रहा है ढकवाखाना में, लेकिन गीतांजलि होटल में फूड अवेलेबल है, मतलब खाना अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली पहुँच गया ये रहा होटल। तो अभी ठीक करते हैं, और मेरे को तो सिंगल रूम चाहिए, मेरे को यहाँ में रिलेटिव्स वगैरह कोई भी नहीं मिला, इसलिए मेरे को होटल में रुकना पड़ेगा। तो अभी ठीक करते हैं और खाना भी खाना है, थका हुआ हूँ, पूरा थका हुआ हूँ। तो है कहाँ मिल गया। तो फाइनली गीतांजलि रेस्टोरेंट में पहुँच गया, होटल भी है और खाना भी मिल जाएगा। तो देखते हैं, अभी एक रूम खाली होगा बोल रहा है अभी। तो फाइनली कमरे में पहुंच गए, देख सकते हो ये अपन का कमरा। तो फाइनली ढकवाखाना पहुंच चुका है, और ढकवाखाना यहाँ में जो कॉलेज इतना दूर भी नहीं, एकदम पास में ही है। मेरे को सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस आना जाना करना है, टोटल 6 किलोमीटर होगा एक दिन का, तो सही है, कॉलेज एकदम पास में ही है। मस्त बात है भाई। सोना तुम्ही कहा गए स्टैंड कोले कोई बोल स्टैंड कोले कोई बोल अरे तुम्हारा बाइक खने पर को सा देव बाइक खन पर जो नहीं स्टैंड कोई से देखे थे है आज स्टैंड कोई बोल नहीं है बाइक स्टैंड হোটেল কার মই হোটেলত থাকিব আহিছো মই তাৰ কাৰণে আমি ঢকুৱাখানা কলেজৰ হয় আমি সকলো ছাত্ৰী লাজ পাবলগীয়া হৈছে কাৰণ ছাৰ ইয়াৰ নহয় লোকেল মানুহ নহয় তেওঁ আঁতৰৰ পৰা আহি যেতিয়া আমাৰ গোটেই ছাত্ৰীখিনিক ইমান ভাল এটা শিক্ষা দিছে ইমান মটিভ কৰিছে তাৰপিছতো আহি যদি ছাৰক এনেকুৱাখিনি ব্যৱহাৰ কৰে আমিয়ে লাজ পাব লাগিব ঢকুৱাখানাৰ হয় গতিকে ছাৰক সকলোৰে হয় চৰি কৈছোঁ আৰু ছাৰে যেন এই কথাটো মনত লৈ নাথাকে ভাবি নাথাকে আৰু নেক্সট জেন ঢকুৱাখানাত এনেকুৱা নহয় ভাল অকণ ভাল ব্যৱহাৰ দিয়ক ভালকৈ থাকক ঠিক আছে আৰু শুনিবলৈ পাইছিলোঁ ছাৰক বোলে এনেকৈ কৈছে ছাৰে কি পঢ়ায় কি হেৰি কয় আমাৰতো ইয়াত দুগৰাকীয়ে দুদিন ট্ৰেইনিং কৰিতো এতিয়া সিহঁতে আজি জবো পালে সিহঁতৰ জবত ছিলেকশ্যন হৈছে এইটো ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে সিহঁতক ছাৰে দিয়া শিক্ষা আৰু ছাৰে দিয়া মটিভেশ্যনৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ আজি ছিলেকশ্যন হৈছে সেইটো কথাও আমি জনাইছোঁ।